प्रिंसिपल ने उसके बच्चों को ये कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया कि तुम लोग दलित हो, तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे विद्यालय में पढ़ सको। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को निकालने की बात स्वीकार करते हुए मामला फीस का बताया है। देखिए, ये चीज़ मेरी संज्ञान में आई है, अभी पता चला है हमको कि इस टाइप का कोई प्रकरण है, तो इसमें जांच करवा रहे हैं। अगर पुष्टि पाई जाएगी तो फिर इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। बच्चे सोचे जिस विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं उनको हमारे बच्चों को बाहर निकाल दिए। हमारा छोटा बच्चा है, वो बच्चा गायब हो जाता, चोर चोरी उठा ले जाता, कोई बात हो जाता। मैं उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया। प्रिंसिपल साहब हमको बोल रहे हैं कि चमार सियार पढ़ाने की औकात नहीं है, तुम हमारी फीस नहीं जमा कर पाते हो, क्यों हमारे विद्यालय में पढ़ाते हो, अब भाग यहाँ से, हमारे विद्यालय मत पढ़ाना, तुम चमार सियार के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। राशिद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राशिद, प्रिंसिपल ने जो किया पेरेंट्स के साथ, अभिभावक के साथ, वो तो ठीक बिहेव नहीं था। बिल्कुल, बता दें आपको, ये 30 अगस्त का मामला बताया जा रहा है। 30 अगस्त को ये दलित परिवार के चार बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, उनको ये कर निकाल दिया गया कि फीस नहीं जमा है। लेकिन वही इस बारे में जब पीड़ित से बात की गई तो उसके पास रसीद भी थी, 30 तारीख तक जो अगस्त की फीस है वो जमा थी। इस बारे में आला अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने संज्ञान में लेने की बात कही और जांच की बात कर रहे थे कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, लेकिन जिस तरह से समाज में इस तरह से अगर होगा तो पीड़ित, जिस तरह से गरीब कहाँ पढ़ाएगा, जबकि सरकार ये कहती है कि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, तो इस तरह से जब विद्यालय का क्या नाम है, विद्यालय का नाम क्या है राशिद? विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर सोहरतगढ़ का मामला है, नगर पंचायत के बीच में ये विद्यालय। यानी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रिंसिपल ने एक दलित को भगा दिया उसकी फीस जमा होने पर भी? बिल्कुल, पीड़ित का यही कहना था कि फीस बच्चों की जमा, अगस्त की फीस जमा है, उसके बाद भी मेरे बच्चों को निकाल दिया गया, अगर फीस नहीं जमा ये थी, तो बड़ी हैरानी की बात है। जहां सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और वहीं पर सरस्वती शिशु मंदिर में एक दलित को इसलिए उनके बच्चों को निकाल दिया जाता है क्योंकि वो दलित हैं। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ से खबर है शंकुतला विश्वविद्यालय।